न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हम 1945 में नागासाकी में गिराए गए फैटमैन की वर्किंग देखते हैं। वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जितना घातक है उतना ही आसान इसकी वर्किंग है। इस न्यूक्लियर बॉम्ब में मेन 6.19 किलो का प्लूटोनियम स्फीयर है जिसे कंप्रेस करना होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि रिएक्शन शुरू करने के लिए 3 लाख एटमोस्फेयर प्रेशर चाहिए। ये प्रेशर 5 लाख हाथियों के बराबर होता है। इतने ज्यादा प्रेशर को क्रिएट करने के लिए प्लूटोनियम बॉल पर बहुत से आरडीएक्स और सीएनटी की लेयर चढ़ाई जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 5000 वोल्ट का करंट डेटोनेटर तक भेजा जाता है, जिसके बाद इसमें 32 स्पार्क क्रिएट होती है। इसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब की बाहर की मोटी लेयर शॉकवेव को अंदर की ओर कंप्रेस करने लगती है, और ये शॉकवेव एल्यूमिनियम से होते हुए प्लूटोनियम को कंप्रेस करके इसमें चेन रिएक्शन शुरू कर देती है, और एक महाविस्फोट के साथ जो प्रलय आता वो इंसानों को राख बना देता है।